गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं गौतम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़, जहाँ दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार के खिलाफ आशा वर्कर सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी तमाम आशा वर्कर यूनियन जो है सड़कों पर उतर कर गुरुग्राम के विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और साथ ही साथ उनका पुतला भी यहाँ पर फूंका जा रहा है। सुधीर सिंगला का ही नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी आशा वर्कर की जो महिलाएं हैं वो पुतला फूंक कर अपना गुस्सा प्रकट कर रही हैं। हमारे साथ ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर विधायक का पुतला फूंका गया। गुरुग्राम महज 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से विधायक के 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से विधायक का दफ्तर है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से उनका सरकार के खिलाफ नाराजगी और जिस तरीके से अब यह विधायक का पुतला फूका और उसके बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी पुतला यहाँ पर फूका गया है। हमारे साथ यहाँ पर आशा वर्कर्स की लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कितने लंबे समय से वो सड़कों पर उतरे हुए थे और अब तक सरकार ने उनकी मांग क्यों नहीं मांगी। देखिए साफ तौर से किस तरीके से आशा वर्कर्स जो है हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और खट्टर सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है। ये देखिए गुरुग्राम के विधायक का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया। हमारे साथ आशा वर्कर्स की महिला है, इनसे जानते हैं कि किन मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरी हुई है और सरकार से क्या कुछ मांगे हैं। क्या कुछ मांगे आपकी सरकार से, क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि यहाँ जाग जाओ, हमारी बात सुन सुन के हमने 20 दिन हो गए आज हड़ताल करते, ये एक दिन भी हमसे मिलने नहीं आया। इसके ऑफिस में गए तो ये हमसे छुप के लुकिया, ये कोई बात नहीं है। हम तो इसके लिए बद्दुआएं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। खट्टर को, सिंगला को, मोदी को, सबके लिए हमारी बद्दुआएं है। आशा बहनों की जो रोड पे निकलती है, सुबह 7 बजे निकलती है तो 7 बजे बढ़ती है घर में। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार क्लाइंट के लिए कुछ किया जाए। 4000 में क्या होता है, आप अपने घर का राशन नहीं ला सकते 4000 में। क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे हमारा हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 4000 जोखिम भत्ता दिया जाए और जो हमारी आशाओं के साथ घटनाएं घटती है उनको रोका जाए और उनका उनकी फैमिली को भी मतलब सुरक्षित किया जाए। देखिए तमाम गुरुग्राम की जगह हरियाणा में भी आशा वर्कर सड़कों पर उतरी है। गुरुग्राम में क्या कुछ सरकारी आदमी आपसे मिलने हैं या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आपको अब तक मिला? आश्वासन नहीं मिला अब तक हमें सरकार से, उसी लिए रोष प्रकट कर रहे हैं आए सारी अपने यहाँ। देखिए आज आपने यहाँ पे पुतला भी फूका है सुधीर सिंगला का और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का भी, तो क्या लगता है इसके बाद सरकार जागेगी या फिर अभी भी सोती रहेगी? जागेगी क्यों नहीं, इतना 20वें दिन में प्रवेश होगी और नहीं जागेगी तो हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे। तक जाएगा ये आंदोलन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम और आंदोलन तेज करेंगे। हम हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो। आप गुड़गांव के जा सरकार भुगतेगी और अधिकारी भुगतेंगे। आप इतने समय से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या गुरुग्राम के विधायक या कोई आला अधिकारी आपसे मिलने पहुंचे? नहीं पहुंचा कोई भी, सब आशाओं से चुकते फिर रहे हैं। हम ना आज 20वें दिन में हड़ताल प्रवेश हो चुकी है हमारी, आशाओं का गुस्सा साथ में आसमान पर है। सर आपने, मैं ये हड़ताल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम हड़ताल अपनी तेज करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है आशा वर्कर को पक्का करो, NHM को 27 बनाओ, 8 एक्टिविटी का कट 50% लागू करो, 4000 जोखिम बता दो आशा वर्करों को, ESIPF से जोड़ो और हेल्थ वर्कर का स्वास्थ्य विभाग से हेल्थ वर्कर का दर्जा दो आशा वर्कर को और ESIPF से जोड़ा जाए आशा वर्करों को,
सामाजिक सुरक्षा आशा वर्कर की जो 1000 रुपये का आशा करोड़ कहते हैं वो उसका 50% लागू करो। तमाम आशा वर्कर्स की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि आज लगभग उनको 20 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन सरकार का कोई भी एक बड़ा अधिकारी या फिर गुरुग्राम की बात करें गुरुग्राम के विधायक भी उनका हाल चाल पूछने नहीं आए। सरकार से इनकी क्या कुछ मांगे थी आपको सुना दी। इनका कहना है कि अगर सरकार अब भी इनकी मांगे नहीं मानती है तो इससे भी उग्र आंदोलन जो है आने वाले समय में ये करेंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद।